हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके डिफरेंट कैटेगरीज के कट ऑफ्स के ऊपर, ठीक है। बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। और बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया है या फिर इसके बाद 31 अगस्त तक कभी भी अगर सब्सक्राइब करेंगे, सब सब्सक्राइबर्स को हमारी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे चला जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट जुलाई 2023 से लेके अगस्त 2023 तक जो भी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, सब बच्चों को हम वो गिफ्ट दे देंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सिर्फ आपको बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आपके कॉलेज में एडमिशन होने तक आपको आते रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं अभी कट ऑफ के ऊपर। अभी आप सारे बच्चे बहुत सारी कैटेगरीज में डिफाइन हो गए हो, जैसे कि कुछ बच्चे ओबीसी में होंगे, कुछ बच्चे जनरल में होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे एस सी बी सी में चले गए होंगे, कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस में पहले से उन्होंने अप्लाई करके रखा होगा, कुछ बच्चे एस सी एस टी के होंगे, एनटी के होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कैटेगरीज में बायफर्गेट हो गए हो। अभी आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपको अभी कुछ भी नहीं आइडिया है ना, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। आप कट ऑफ देख रहे हो, लेकिन वो कॉलेज कौन सी कैटेगरी में लाई करता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कॉलेजेस की जैसे कि तीन प्रकार की कैटेगरीज होती है, टायर वन, टायर टू, टायर थ्री, ठीक है। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो वहां पे टॉप लेवल कॉलेजेस, मीडियम लेवल कॉलेजेस और आपके लो लेवल कॉलेजेस, ऐसे एक कैटेगरी डिफाइन की जाती है। तो अगर मैं टॉप लेवल कॉलेजेस की बात करूं, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस जैसे कि सीओईपी, वीजीटीआई, वाल, जेपीआईसीटी, वीआईटी, केजे सोम्या, डीजे सांगवी, थर्ड ओमर, एमआईटी, जो भी टॉप 10-12 कॉलेजेस है, अगर उसमें आपको एडमिशन चाहिए, 10-15-20 जितने भी होंगे, सेम फॉर फार्मेसी के लिए भी, ठीक है। तो अगर आपको इनमें एडमिशन चाहिए और अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो आपको ऑलमोस्ट 95 क्रॉस करना पड़ेगा इन कॉलेजेस में जाने के लिए, ऑलमोस्ट 95 से तो ऊपर ही लाने पड़ेंगे, क्लियर बात है। अगर मैं थर्ड राउंड तक इंस्टीट्यूट लेवल राउंड को भी गिन के ले रहा हूं इसमें, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको वहां पे 90% भी लाए ना तो भी आपका काम चल जाने वाला है, ठीक है। उसी जगह में अगर एससी की बात करूं तो आपको वहां पे अराउंड 75% वहां पे स्कोर करना पड़ सकता है। एसटी की बात करूं तो वहीं पे आपको 70 के आसपास स्कोर करना पड़ सकता है, और एनटी की बात करूं वहीं पे आपको अराउंड 80 स्कोर करना पड़ सकता है, ईडब्ल्यूएस में अराउंड आपको 85 स्कोर करना पड़ सकता है। सो दिस इज फॉर टॉप कॉलेजेस। अभी सब बच्चों को टॉप कॉलेजेस लगते हैं क्या? नहीं, सब बच्चों को नहीं लग सकते टॉप कॉलेजेस, ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं मीडियम लेवल कॉलेजेस की बात करूं तो उनका कट ऑफ कितना जा सकता है? मीडियम लेवल कॉलेजेस मतलब डीवाई पाटिल अकोर्डी का हो गया, पिंपरी चिंचवड हो गया, ठीक है, पिंपरी चिंचवड, पिंपरी वाला, रावत वाला नहीं। उसके बाद में अगर बात करूं केकेडब्ल्यू हो गया, उसके बाद में बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए जैसे कि अमरावती का, नागपुर का, औरंगाबाद का, संभाजीनगर का, ठीक है। तो ये अगर इन सब कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको एटलीस्ट 90% क्रॉस करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं, 90% क्रॉस करना होगा। उसी जगह अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो आपको अराउंड 80-82% क्रॉस करने होंगे, एनडी को भी अराउंड 75 क्रॉस करने होंगे, एससी एसटी को ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 70% आपको क्रॉस करने होंगे, ईडब्ल्यूएस को जितना ओबीसी का है उतना ईडब्ल्यूएस का ऑलमोस्ट होता है, तो इतने परसेंटाइल आपको इन सब कॉलेजेस में टारगेट करने होंगे, क्लियर बात है। अभी बात करते लो लेवल, क्या हमें सर कुछ भी मत बताओ, सिर्फ हमें कॉलेज मिलने दो, कॉलेज चाहिए हमें, ठीक है। तो इस रेंज में बहुत कॉलेजेस आ जाते हैं। अगर आप मीडियम से लो लेवल का जो स्पैन देखोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा कॉलेजेस है, ठीक है। तो वो अगर आप ओपन में हो और आपके 30-40% फिर भी आपको एडमिशन मिलेगा, फिर भी मिलेगा, क्योंकि 5-6% पे भी एडमिशन मिल रहा है। लेकिन पुणे में मिलेगा, चांसेस कम है, मुंबई में मिलेगा, चांसेस कम है, नासिक में टॉप कॉलेजेस में मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, नागपुर के टॉप कॉलेजेस में नहीं मिल सकता, तो सिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज वहां पे करना पड़ेगा। तो आपके 30-40% भी है तो भी आपको एडमिशन मिलने वाला है, अगर आप एससी एसटी हो तो आपके 15-20% भी एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप एक मीडियम लेवल कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो एससी एसटी से भी हो तो भी 50% एटलीस्ट लाओ, तब आप ठीक ठाक कॉलेज टारगेट मार सकते हो, है ना। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपको कुछ भी झूठी चीजें नहीं बता रहा हूं, है ना। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से काउंसलर आपको कॉलेज लिस्ट भी बना के देंगे,
आपको जिस सिटी में चाहिए, जिस ब्रांच में चाहिए, जितने परसेंटाइल है, जो कैटेगरी है आपकी, सारी चीजें चेक करके उसके हिसाब से एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट आपको देंगे। वही कॉलेज लिस्ट आपको कैप्राउंड में सबमिट करनी है, उससे आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। जो इच्छुक है वही करे, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं यहाँ पे आपको जबरदस्ती करने नहीं आया हूँ। ओके, और आई होप आपको ये कट ऑफ समझे होंगे कॉलेजेस के, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब इसीलिए करना ताकि आपको नए ऐसे वीडियो चाहिए, ठीक है। सिर्फ गिफ्ट के पर्पज से करोगे तो आपकी इच्छा है लेकिन मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो आप कॉन्टेंट के हिसाब से सब्सक्राइब करो, और जो सब्सक्राइबर है उनको जरूर गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है अभी भी, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।